हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं यार्न नंबरिंग सिस्टम। यार्न नंबरिंग सिस्टम टेक्सटाइल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यार्न्स की नंबरिंग कैसे की जाती है और यार्न काउंट क्या होता है, टैक्स क्या होता है, डेनियर क्या होता है, ये सारी चीज़ें यार्न नंबरिंग सिस्टम के अंडर आती हैं। टेक्सटाइल्स को समझने के लिए यार्न नंबरिंग सिस्टम के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसे समझने में काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए आज मैं इस टॉपिक पर यह वीडियो बना रहा हूँ। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यार्न नंबरिंग सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और अलग अलग टाइप्स के अंदर उसके सब टाइप्स कौन कौन से हैं और उनको हम कैसे नंबर देते हैं, यार्न को कैसे उसकी नंबरिंग की जाती है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यार्न नंबरिंग सिस्टम की। जिस प्रकार से हम जो भी चीज़ें डेली रूटीन में यूज़ करते हैं उनकी एक यूनिट होती है, जैसे मान लीजिए हमें कोई सब्ज़ी ख़रीदनी है तो हमें बताना पड़ता है कि कितने किलो सब्ज़ी लेनी है हमें, या अगर हमें कोई और सामान ख़रीदना है, जैसे मान लीजिए कपड़ा ख़रीदना है तो हमें बताना पड़ता है कितने मीटर चाहिए हमें यह कपड़ा, या कोई भी आइटम जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हमें मान लो शूज़ ख़रीदने हैं तो हमें बताना पड़ता है कितने नंबर का शूज़ चाहिए। तो हर एक चीज़ की एक यूनिट होती है, एक नंबर होता है जिससे हम बता सकते हैं कि ये हमें इस साइज़ का चाहिए। उसी प्रकार से अगर हमें यार्न चाहिए, मान लीजिए हमें फैब्रिक बनाने के लिए यार्न की ज़रूरत है, तो जो यार्न मैन्युफैक्चरर है उसे हमें बताना पड़ेगा कि हमें किस नंबर का यार्न चाहिए, जिसे हम काउंट भी कहते हैं। यार्न की अलग अलग क्वालिटी होती हैं, कुछ यार्न बहुत फाइन होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ कोर्स होते हैं। कोर्स का मतलब है जो मोटे यार्न होते हैं उन्हें कोर्सर यार्न कहा जाता है, जो पतले यार्न होते हैं उन्हें फाइन यार्न कहा जाता है और जो उनके बीच की रेंज है उन्हें मीडियम यार्न कहा जाता है। तो अगर आपको एक फैब्रिक प्रोड्यूस करना है या हमें कोई फैब्रिक प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें यार्न की आवश्यकता होती है, और यार्न हमें लेना है किसी मैन्युफैक्चरर से तो हमें उसे बोलना पड़ेगा कि मुझे इस नंबर का यार्न चाहिए या मुझे इस काउंट का यार्न चाहिए। तो इसलिए एक यार्न नंबरिंग सिस्टम बनाया गया, यार्न को नंबर दिया गया जिससे हम यार्न को डिफाइन कर सकें कि ये यार्न इस काउंट का है या इतना मोटा यार्न इस काउंट का होगा, पतला यार्न इस काउंट का होगा, हम उसको डिनोट कर सकें। तो बेसिकली यार्न नंबरिंग सिस्टम एक सिस्टम है यार्न की फाइननेस या यार्न की कोर्सनेस को मेज़र करने का, नापने का एक तरीका है यार्न नंबरिंग सिस्टम यार्न की फाइननेस और कोर्सनेस को। ये सिस्टम दो तरह का होता है, डायरेक्ट यार्न नंबरिंग सिस्टम एंड इनडायरेक्ट यार्न नंबरिंग सिस्टम। डायरेक्ट यार्न नंबरिंग सिस्टम इंडिया में ज़्यादा यूज़ किया जाता था, अब तो इंडिया में भी इनडायरेक्ट सिस्टम यूज़ किया जाता है, लेकिन पहले इंडिया में डायरेक्ट यार्न नंबरिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था, अदर कंट्रीज़ में इनडायरेक्ट सिस्टम यूज़ किया जाता था। तो डायरेक्ट सिस्टम और इनडायरेक्ट सिस्टम में क्या अंतर है? डायरेक्ट यार्न नंबरिंग सिस्टम के अंदर हम एक फिक्स्ड लेंथ के अंदर ये चेक करते हैं कि उसके अंदर कितना वेट है। हमारे पास यार्न की एक फिक्स लेंथ होती है, उस लेंथ के अंदर हम चेक करते हैं कि उसका वेट कितना है, जो भी उसका वेट आता है वही हम उस यार्न को नंबर दे देते हैं। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि डायरेक्ट यार्न नंबरिंग सिस्टम फिक्स लेंथ सिस्टम पे बेस्ड होता है, उसमें लेंथ हमेशा फिक्स रहती है। डायरेक्ट सिस्टम में लेंथ हमेशा फिक्स रहती है, वेट वेरी करता रहता है, वेट बदलता रहता है। तो द सिस्टम विच वर्क्स ऑन फिक्स लेंथ सिस्टम इज कॉल्ड एज डायरेक्ट यार्न नंबरिंग सिस्टम। इनडायरेक्ट यार्न नंबरिंग सिस्टम क्या होता है? इनडायरेक्ट यार्न नंबरिंग सिस्टम इसके अपोजिट होता है। इनडायरेक्ट यार्न नंबरिंग सिस्टम के अंदर हम यार्न का वेट फिक्स रखते हैं, लेंथ कम या ज्यादा हो सकती है। हम एक फिक्स वेट का यार्न लेंगे और उसके अंदर देखेंगे कितनी लेंथ है यार्न की उस वेट के अंदर, और जितनी उसके अंदर लेंथ होगी वही उसका यार्न नंबर होगा इनडायरेक्ट सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट यार्न नंबरिंग सिस्टम में
वेट फिक्स रहता है. द सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड वेट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट यार्न नंबरिंग सिस्टम. तो डायरेक्ट सिस्टम में लेंथ फिक्स रहती है और इनडायरेक्ट सिस्टम में वेट फिक्स रहता है. अब ये कैसे होता है, कैसे हम चेक करते हैं, वो हम ऐसे समझेंगे इसके अंदर. तो डायरेक्ट सिस्टम के अंदर मेनली दो यूज किए जाती हैं टर्म जो यार्न नंबर को डिफाइन करती हैं. पहली टर्म है टैक्स, कि हमें ये यार्न इतने टैक्स का चाहिए. जब भी हम डायरेक्ट सिस्टम का यूज करके अगर हम मैन्युफैक्चरर को बता रहे हैं तो हम बोलते हैं कि हमें ये यार्न, हमें कॉटन यार्न इतने टैक्स का चाहिए या हमें नायलॉन यार्न इतने टैक्स का चाहिए. ऐसे हम टैक्स का यूज करते हैं जो यूनिट है इन. और दूसरी जो यूनिट है वो है डेनियर. डायरेक्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं अभी हम. तो डायरेक्ट सिस्टम के अंदर कुछ यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं. उनमें सबसे पहली यूनिट है डेनियर, दूसरी यूनिट है टैक्स, उसके बाद नेक्स्ट है डेसी टैक्स, उसके बाद नेक्स्ट है मिली टैक्स. तो ये तीन या चार टर्म हम डायरेक्ट सिस्टम के अंदर यूज करते हैं यार्न नंबर को डिनोट करने के. अब डेनियर के अंदर क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सिस्टम के अंदर लेंथ फिक्स रहती है. तो हमारे पास यार्न है, हमें यार्न दे दिया गया एक कोन या चीज की फॉर्म में, हमें एक यार्न मिल गया और हमें बोला गया कि इसका आप डेनियर कैलकुलेट कीजिए. तो डेनियर कैलकुलेट करने के लिए हम डेनियर के अंदर क्या क्या, किसे कहते हैं डेनियर. डेनियर मे बी डिफाइंड एज द वेट इन ग्राम्स इन 9000 मीटर लेंथ ऑफ यार्न. 9000 मीटर लेंथ हमने धागे की ली और उसका वेट किया ग्राम्स में. जितने ग्राम उसका वेट होगा वही उस यार्न का डेनियर होगा. अब हमें डेनियर के अंदर ध्यान क्या रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट सिस्टम है तो इसके अंदर लेंथ फिक्स रहेगी. तो मतलब 9000 मीटर लेंथ ही लेनी है अगर हमें यार्न का डेनियर कैलकुलेट करना है. हमें 50 किलो धागा दे दिया गया तो हमें क्या करना है, उसके अंदर से 9000 मीटर लेंथ निकालनी है, नापना है 9000 मीटर लेंथ को और उसको रख देना है वेइंग मशीन पे. जितने ग्राम उसका वेट होगा वही उसका हम डेनियर कहेंगे. मान लीजिए मैंने 9000 मीटर लेंथ ली धागे की और उसका वजन किया, उसका वेट आया 50 ग्राम, तो उसका डेनियर होगा 50. दोबारा मैंने दूसरे यार्न लिया, उसकी भी 9000 मीटर लेंथ ली, उसका वजन किया, उसका वेट आया 30 ग्राम, तो उसका डेनियर होगा 30. तो आप जो भी यार्न यूज कर रहे हैं जिसका डेनियर कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको उसकी लेंथ लेनी है 9000 मीटर और उसका वेट करना है ग्राम्स में, किलोग्राम्स में नहीं, ग्राम्स में उसका वेट बताना है. जितने ग्राम उसका वेट होगा वही उसका डेनियर होगा. तो ये था डेनियर, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी यार्न का. अब बात करते हैं टैक्स की. टैक्स के अंदर टैक्स मे बी डिफाइंड एज द वेट इन ग्राम्स ऑफ 1000 मीटर लेंथ ऑफ यार्न. यहां पर जो लेंथ है वो 1000 मीटर लेंगे हम. अगर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, डेनियर कैलकुलेट करना है तो 9000 मीटर, टैक्स कैलकुलेट करना है तो 1000 मीटर लेंथ. हमें बहुत सारा यार्न दे दिया गया, उस यार्न में से हमें 1000 मीटर लेंथ नाप कर लेनी है. उस 1000 मीटर लेंथ को हमने वेइंग मशीन पे रखना है, उसका वेट करना है ग्राम्स में. अगर उसका वेट आता है 100 ग्राम तो उसका टैक्स होगा 100, अगर उसका वेट आता है 50 ग्राम तो उसका टैक्स होगा 50, उसका वेट आता है 10 ग्राम तो उसका टैक्स होगा 10. जितना भी वेट आएगा ग्राम्स में 1000 मीटर लेंथ का वही उसका टैक्स होगा. डेनियर के अंदर 9000 मीटर और टैक्स के अंदर 1000 मीटर लेंथ लेते हैं हम और उसका वेट कर लेते हैं. जो भी उसका वेट आता है वही उसका टैक्स या डेनियर होता है. अब बात करते हैं डेसी टैक्स की. डेसी टैक्स के अंदर हम वेट करते हैं 10000 मीटर लेंथ ऑफ यार्न. हम 10000 मीटर लेंथ लेंगे यार्न की, उसका वेट करेंगे. टैक्स में 1000 मीटर, डेनियर में 9000 मीटर, डेसी टैक्स में 10000 मीटर. डेसी का मतलब होता है 10, टैक्स के साथ 1000, टैक्स मतलब 1000, डेसी टैक्स 10 मल्टीप्लाई 1000, 10000. तो 10000 मीटर धागा लेना है, उसका वेट करना है. जो भी उसका वेट होगा ग्राम्स में वही उसका डेसी टैक्स होगा. मिली टैक्स के अंदर वेट इन मिलीग्राम्स. 1000 मीटर धागे का जितने मिलीग्राम वेट होगा वही उसका मिली टैक्स होगा. तो ये डायरेक्ट सिस्टम के अंदर ये तीन या चार टर्म यूज की जाती हैं. इन सब के अंदर आपने देखा टैक्स के अंदर हम 1000 मीटर लेंथ फिक्स रखते हैं, डेनियर के अंदर 9000 मीटर लेंथ फिक्स रखते हैं, डेसी टैक्स के अंदर 10000 मीटर लेंथ फिक्स रखते हैं
और मिली टैक्स के अंदर 1000 मीटर लेंथ फिक्स रखते हैं। डेनियर टैक्स और डेसी टैक्स में जो वेट ग्राम्स में आता है वही उसका डेनियर टैक्स या डेसी टैक्स होगा। मिली टैक्स के अंदर जो वेट मिलीग्राम्स में आएगा वही उसका मिली टैक्स होगा। अब डायरेक्ट सिस्टम के अंदर ये सारी टर्म हम यूज करते हैं। बात करते हैं अब इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ यार्न नंबरिंग की। इनडायरेक्ट सिस्टम में मैंने आपको बताया कि वेट फिक्स रहता है, लेंथ बदलती रहती है। अब सबसे पहले जो टर्म यूज की जाती है इनडायरेक्ट सिस्टम में वो है इंग्लिश काउंट, जिसे NE बोला जाता है। उसके बाद दूसरा है मीट्रिक काउंट, जिसे NM बोला जाता है, M फॉर मीट्रिक। और तीसरा है NW, जिसे वोस्टेड काउंट बोला जाता है, W फॉर वोस्टेड। तो ये दो या तीन टर्म यूज की जाती हैं इनडायरेक्ट यार्न नंबरिंग सिस्टम में, यार्न नंबर को डिफाइन करने के लिए, काउंट को डिफाइन करने के लिए। अब इनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनके अंदर यार्न काउंट निकाला जाता है। यार्न नंबर को यार्न काउंट भी कह सकते हैं हम। तो जहां पर मैं काउंट यूज करूंगा आप समझ जाइएगा कि यार्न नंबर की बात हो रही। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश काउंट की, जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आजकल। यूनिवर्सली इंग्लिश काउंट ही यूज किया जाता है किसी भी इंडस्ट्री में, कि इस धागे का कितना काउंट है या आपको कितने काउंट का धागा चाहिए। मैन्युफैक्चरर पूछता है आपकी रिक्वायरमेंट कौन से काउंट की कितनी है। तो इंग्लिश काउंट क्या होता है? इंग्लिश काउंट को हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 840 यार्ड्स इन 1 pound वेट ऑफ यार्न। कि हमने 1 pound, तो 1 pound धागे के वजन में हमने हैंक बनाए। हैंक का मतलब होता है ली, लच्छी बोलते हैं जिसको, गुच्छा बोल सकते हैं हम हैंक को। तो हम क्या करते हैं, मशीन होती है रैपरील मशीन होती है जिसके ऊपर हम हैंक प्रोड्यूस कर सकते हैं, हैंक प्रोड्यूसिंग मशीन होती है। तो हमने पहले धागा लिया, उसका वजन किया कितना, 1 pound। हमने 1 pound धागा ले लिया, हमें नहीं पता इसके अंदर कितनी लेंथ है, हमने सिर्फ वेट किया 1 pound। अब उस 1 pound धागे के हमने हैंक बनाने स्टार्ट किए, कितने यार्ड के, 840 यार्ड के। हमारे यहाँ पर मीटर यूज किया जाता है, दूसरी कंट्रीज में यार्ड यूज की जाती है। लेंथ की यूनिट यार्ड होती है कि आपका ये घर कितने यार्ड का है। तो हमें 840 यार्ड के हैंक बनाने हैं, हमने उस धागे से हैंक बनाने स्टार्ट किए। 840 यार्ड का एक हैंक बन गया, उसको रख दिया हमने, फिर हैंक बनाया 840 यार्ड का, दूसरा हैंक बन गया। ऐसे करते हुए हमने 840 यार्ड के मान लीजिए 20 हैंक प्रोड्यूस कर दिए। हर एक हैंक 840 यार्ड का है, टोटल 1 pound में हमने 20 हैंक प्रोड्यूस कर दिए। तो हम कहेंगे कि इस धागे का काउंट 20 है। नंबर ऑफ हैंक्स कि कितने हैंक बने, 840 यार्ड्स। नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 840 यार्ड्स, 840 यार्ड के जितने नंबर हैंक बनेंगे इन 1 pound वेट ऑफ यार्न इज कॉल्ड एज इंग्लिश काउंट। तो इंग्लिश काउंट अगर हमें किसी भी धागे का निकालना है जिसका हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 1 pound वेट लेंगे यार्न का और उसका हैंक्स बनाएंगे, उसके 840 यार्ड के जितने हैंक बनेंगे वही उसका काउंट होगा। इंग्लिश काउंट को हम अगर डिफाइन करें तो नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 840 यार्ड इन 1 pound वेट ऑफ यार्न इज कॉल्ड एज इंग्लिश काउंट। उसके बाद दूसरा है मीट्रिक काउंट। मीट्रिक काउंट के अंदर हम वेट लेंगे 1 kilogram और उसके अंदर हम हैंक प्रोड्यूस करेंगे या उसके अंदर हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, कितने किलोमीटर लेंथ उसके अंदर बनती है। वेट हमने लिया 1 kilogram, पाउंड की जगह हमने 1 kilogram वेट लिया धागे का, और उसके अंदर 1 kilogram के अंदर कितने किलोमीटर लेंथ बनती है वो उसका मीट्रिक काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 kilogram वेट लिया धागे का और उसके अंदर मैंने लेंथ चेक की कितनी लेंथ है किलोमीटर में, तो अगर उसके अंदर 10 किलोमीटर लेंथ है धागे की तो मीट्रिक काउंट होगा 10। अगर 20 किलोमीटर लेंथ है तो उसका मीट्रिक काउंट होगा 20। जितने किलोमीटर उसके अंदर लेंथ होगी 1 kilogram धागे के अंदर वही उसका मीट्रिक काउंट होगा। मीट्रिक काउंट को यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम भी कहा जाता है, यूनिवर्सली इस मेथड का यूज किया जाता था, इसलिए इसे यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है NW, यानी कि वोस्टेड काउंट। वोस्टेड
वोस्टिडियन काउंट के अंदर हम इंग्लिश काउंट की तरह ही एक पाउंड वेट लेते हैं, फिक्स वेट, क्योंकि इनडायरेक्ट सिस्टम में वेट फिक्स होता है। तो हमने एक पाउंड वेट लिया यार्न का और उसके अंदर हम 560 यार्ड के हैंक प्रोड्यूस करेंगे। इंग्लिश काउंट में 840 यार्ड के किए थे, वोस्टिड काउंट के अंदर 560 यार्ड के कितने हैंक बनते हैं वही उसका वोस्टिड काउंट होगा। मान लीजिए एक पाउंड वेट लिया और उसके हमने यार्ड बनाए, हैंक बनाए उसके 560 यार्ड के, मान लीजिए 15 हैंक बनते हैं एक पाउंड वेट के अंदर, तो उसका वोस्टिड काउंट होगा 15। 20 हैंक बनते हैं 560 यार्ड के, तो उसका हैंक होगा 20। जितने नंबर ऑफ हैंक्स बनेंगे 560 यार्ड के एक पाउंड वेट के अंदर वही उसका वोस्टेड काउंट होगा। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं अलग अलग टाइप्स के काउंट को, अलग अलग टाइप के यार्ड नंबरिंग सिस्टम को। अब बात करते हैं कि दोनों में कैसे डिफरेंस और क्या क्या डिफरेंस हैं दोनों के अंदर, डायरेक्ट सिस्टम में और इनडायरेक्ट सिस्टम। डायरेक्ट सिस्टम के अंदर जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे यार्न हमारा कोर्सर होता चला जाएगा। मान लीजिए हमारे पास टैक्स डेनियर के जो यार्न हैं, डायरेक्ट सिस्टम के जो यार्न हैं, मान लीजिए एक धागा है 10 टैक्स का और एक धागा है 100 टैक्स का, तो जो 100 टैक्स का धागा होगा वो मोटा होगा, 10 टैक्स का धागा पतला होगा डायरेक्ट सिस्टम के अंदर। या 10 डेनियर और 100 डेनियर में कौन सा धागा कोर्सर होगा अगर आपसे पूछा जाए, तो जो नंबर जिसका ज्यादा है वो कोर्सर होगा, वो धागा मोटा होगा। जितना बड़ा नंबर उतना धागा कोर्सर होगा डायरेक्ट सिस्टम के अंदर, टैक्स में, डेनियर में, डेसी टैक्स में। लेकिन इनडायरेक्ट सिस्टम में इसका उल्टा होता है। इनडायरेक्ट सिस्टम में मान लीजिए इंग्लिश काउंट है, एक धागा है 10 एनी का, एक धागा है 100 एनी का, तो जो 100 एनी का धागा है वो फाइनर होगा और जो 10 एनी का धागा है वो कोर्सर होगा। इसी प्रकार से अगर मीट्रिक की बात करें तो जो 100 मीट्रिक का धागा होगा, 100 मीट्रिक काउंट का धागा, वो फाइनर होगा, 10 मीट्रिक काउंट का धागा कोर्सर होगा। तो डायरेक्ट सिस्टम में नंबर जितना बड़ा होगा धागा उतना कोर्सर होगा, इनडायरेक्ट सिस्टम में नंबर जितना बड़ा होगा धागा उतना फाइन होगा, उतना पतला होगा। अब ये कैसे होता है ये समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से इसे समझाता हूँ कि डायरेक्ट सिस्टम के अंदर हमारी लेंथ फिक्स रहती है, वेट कम या ज़्यादा हो, वेट इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो लेंथ मान लीजिए 1000 मीटर लेंथ, अगर हम टैक्स की बात करें तो उसके अंदर 1000 मीटर लेंथ फिक्स रहती, तो हमें लेंथ फिक्स दे दी, हम उससे ज़्यादा लेंथ ले ही नहीं सकते टैक्स में। अब अगर आप किसी फिक्स लेंथ की चीज़ के अंदर वेट ऐड करते चले जाएंगे तो वो चीज़ क्या होगा, वो उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप उसके अंदर लगातार वेट ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि लेंथ बढ़ा नहीं सकते हम। ये लेंथ है, इस लेंथ के अंदर पहले आपने 10 ग्राम वेट डाला, उसके बाद उसी के अंदर 20 ग्राम डाल दिया, फिर 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, तो वो उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। इसको आप एक गुब्बारे से, मान लीजिए गुब्बारा है जिसकी फिक्स लेंथ इतनी है, आप उसके अंदर हवा भरते चले जाएंगे तो उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती चली जाएगी, वो उसकी मोटाई बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि लेंथ उसकी और ज़्यादा बढ़ नहीं सकती, लेकिन वो विड्थ वाइज बढ़ता चला जाएगा, वेट उसके अंदर बढ़ता जा रहा है इसलिए। तो अगर 10 ग्राम वेट है तो वो पतला है, 20 ग्राम है तो और मोटा हो गया, 30 ग्राम और मोटा हो गया, ऐसे 100 ग्राम वेट डाल दिया तो वो और ज़्यादा मोटा होगा। तो 10 ग्राम वेट मतलब 1000 मीटर के अंदर 10 ग्राम वेट है तो 10 टैक्स, अगर 1000 मीटर के अंदर ही 100 ग्राम वेट है तो 100 टैक्स। तो उस 1000 मीटर के अंदर 100 ग्राम वेट है तो उसकी थिकनेस ज़्यादा है, वो धागा ज़्यादा मोटा होगा, और जिसके अंदर 10 ग्राम वेट है 1000 मीटर के अंदर, वो धागा पतला हो। अब इनडायरेक्ट सिस्टम में नंबर बढ़ता है तो धागा पतला कैसे हो जाता है, इसको आप इससे समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक च्युइंगम है, उस च्युइंगम के अंदर आपको पता है कि एक फिक्स मटेरियल होता है उसके अंदर ना मटेरियल हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं ना उसमें से निकाल सकते हैं। तो अगर उस च्युइंगम को जब हम हाथ में ले रहे हैं तो उसकी थिकनेस ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे उसका वेट मान लीजिए फिक्स है 1 पाउंड, अगर उस च्युइंगम का वेट है 1 पाउंड, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1 पाउंड की च्युइंगम है, जब हमने उसे लिया तो वो उसकी जो लेंथ थी वो इतनी थी, अब मैं उसको स्ट्रेच करता चला जा रहा हूँ, 1 पाउंड वेट को मैं
डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा हूँ, उसकी लेंथ बढ़ाता जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है वो च्युइंगम पतली होती चली जाएगी, क्योंकि वो वेट डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। तो इसी प्रकार से जो धागा है, 1 पाउंड वेट लिया हमने, अगर उसके अंदर जो हैंक हैं वो एक हैंक बना तो उसकी थिकनेस ज़्यादा है। अगर हैंक जो है वो एक बना, हमने उस धागे 1 पाउंड वेट का हैंक प्रोड्यूस किया, वो एक हैंक बना, तो मतलब वो धागा कोर्सर है। लेकिन जब मैंने उसकी लेंथ बढ़ा दी उसे 1 पाउंड की, मैंने च्युइंगम को स्ट्रेच कर दिया और फिर उसका मैंने हैंक बनाए, तो वो हैंक ज़्यादा बनेंगे क्योंकि लेंथ बढ़ा दी है मैंने। तो वो लेंथ क्यों बढ़ गई? क्योंकि जो वेट था 1 पाउंड वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया उस लेंथ के अंदर। तो जितने ज़्यादा हैंक बनेंगे उसके, उतना ही ज़्यादा उसका काउंट होगा। अगर 100 काउंट बोल रहे हैं, एक धागे का 100 काउंट है, उसका मतलब है कि 1 पाउंड धागे के अंदर 100 हैंक बन रहे हैं। 100 × 840, 840 यार्ड के 100 हैंक बन रहे हैं 1 पाउंड के अंदर। वो 100 हैंक क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमने लेंथ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसकी थिकनेस कम है। लेकिन अगर धागा मोटा है तो उसके अंदर हैंक कम बनेंगे। अगर 10 हैंक बन रहे हैं तो मतलब उसकी थिकनेस ज़्यादा है। तो इसलिए इंग्लिश काउंट के अंदर कम नंबर है तो यार्न कोर्सर होगा, और बड़ा नंबर है तो यार्न फाइनर होगा, क्योंकि लेंथ वेट फिक्स है और लेंथ हमने इंक्रीज कर दी। जैसे हम जब घर पे रोटी बनाते हैं तो एक गोला बनाते हैं, उस गोले के अंदर हमने एक फिक्स वेट ले लिया। जब हमने उस गोले के अंदर फिक्स वेट लिया तो उसकी थिकनेस ज़्यादा है। अब हमने उसको बेलना जब स्टार्ट किया, जैसे जैसे हम उसको बेलते जाते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, लेकिन वो साथ के साथ पतला होता जा रहा है। रोटी हमारी पतली होती चली जाती है, जितनी पतली होती जाएगी उतनी लेंथ बढ़ती जाएगी। वेट उसके अंदर वही है जो हमने आटा लिया था जिस टाइम, उस टाइम पे जो वेट था वही वेट, लेकिन अब हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सेम केस हम इनडायरेक्ट सिस्टम में यूज़ करते हैं। पाउंड, 1 पाउंड वेट फिक्स है, लेकिन अगर धागा पतला है तो उसके हैंक ज़्यादा बनते हैं। इसलिए इंग्लिश काउंट में नंबर बड़ा होता है तो उसके अंदर यार्न फाइन होता है, नंबर छोटा होता है यार्न कोर्सर होता है। तो इस तरीके से यार्न नंबरिंग सिस्टम काम करता है। ये अलग अलग प्रकार के यार्न नंबरिंग सिस्टम होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिन दूसरे टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं। जो आपने हमें वीडियो सजेस्ट किए हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे वो वीडियो आपको मिलेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है textilehelp.org। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं textilehelp_official। हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं textilehelp.org। आप हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज पे मैसेंजर में मैसेज करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।